आपने माशाल्लाह इनके साथ जो भी तआवुन करना था कर लिया है, तो आपने इनकी शादी भी करा ली, इनके लिए ये बहुत है। इनके सारे काम निपटाए, इनके जहेज के सामान वगैरह जो भी थी सेटिंग ऊपर नीचे। आप मेरे साथ खाना तो इधर आ जाओ, वरना वो शहजाद भाई के साथ बैठ जाओ। हैं, आ जाओ। उसे क्या मैं कह रहा था, आलू खाना तो मेरे पास आ जाओ। हाँ, चिकन खाना है तो मोहिउद्दीन के साथ, वो फिर मेरे वाले साइड पे खड़ी होगी। एक बकरी है इनमें, है ना? नहीं, ये वाली गदरी वही एक है। नहीं नहीं, वो दूसरी, वो व्हाइट वाली, व्हाइट वाली बकरी है। अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो वैसे ठीक है, मज़े में हैं माशाल्लाह। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं, अल्लाह पाक के फजल करम से। हम पहुंच चुके हैं जी इधर अफजल भाई के ओल्ड हाउस, आपको पता है। इधर एक और डालेशार, तेरी ज़िंदगी की खैर है, तेरे मुच्छा तो तीवा सब के है। इसने अभी नहा के ना फ्रेश फ्रेश हो चुका है और आसिफ भाई मौजूद है इनके साथ। ऑलरेडी हमारी मुलाकात हो चुकी है वैसे, और अभी भी बात करा देता हूँ। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। उठ रहे हो? अच्छा, मैंने कहा नहीं, उठ रहा हूं, नहीं, बैठ रहा हूं। अच्छा, सीधे होके बैठ रहे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी गुजर रही है लाइफ? फिट अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, और आपकी? सही गुजर रही है। इधर मौसम सही है या उधर मौसम सही था? दोनों सही है। मतलब ये वो ढोल वाली कुत्ती है, जहाँ ढोल बजेगा वहीं सेट है ना? ऐसे ना यार, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती है अल्लाह के बंदे, मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा भी नहीं करना है, तो थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती है। मदनी कह रहा है यहाँ पे सही है मौसम। यहाँ पे सही है? यहाँ पे वो बोल रहा है मौसम वहाँ पे सही होता है जहाँ पर गुस्सा काम वगैरह ना करने पड़े, बंदा बिल्कुल फ्री हो, वो मौसम अच्छा होता है। तीन वक्त रोटी टाइम पे मिल जाए सालन के साथ। इधर तो काम करने पड़ेंगे, यहाँ का मौसम चाहे बर्फ गिर रही है पैर भी वो मजा नहीं रहता। सुबह से इनका काम शुरू है इंशाल्लाह, यहाँ पे काम करना है घर वाला। हाँ सही, मैंने इनको बोला है, मैंने कहा कोई वो ले आओ, दूसरी नहीं होती हाथ से चलाने वाली रेडी, इसकी भर्ती तो कम अज कम पूरी कर दो, है ना? करोगे? ओके करो फिर। इधर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर, उसके बाद हम चले मस्तार वीडियो की जानिब। लेट्स गो। बाहर आ चुके हैं और इधर अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्लाह दी मेहरबानी। माशा, किस किधर लेके जा रहे हो उसको? ये टूट गया यार, यहाँ से ये देख रहे हो? ओ यार, ये बनेगा कैसे? पहली बात तो ये है, ये बनेगा कैसे? वेल्डिंग होगा ये, वेल्ड वाला चल जाएगा फिर? हाँ, हाथ पे चलाते हैं, एक साइड है ना। अच्छा चले, ये इसका ये भी बनवा के आना यार, ये देखो इसको वेल्ड करवाइया, यहीं जाते यहीं जाते नहीं, ये वेल्ड तब होती है इस पे अगर वो लकड़ वाली लगा दो तो। शहजाद भाई माशाल्लाह जा रहे हैं जी, और बाइक जो है ना बलोच वाली ली हुई है, और ये उधर किसके पास लेके जा रहे हो? मुर्तजा। अच्छा, मुर्तजा के पास लेते। सही, वापस आ रहे हो फिर? मैं इधर आमिर के घर में जा रहा हूँ थोड़ा सा काम, फिर वापस आके मुझे उधर छोड़ देना, ठीक है? हाँ ओके, हो गया जी। रिवर माशाल्लाह इधर आजकल पानी ही पानी नज़र आता है, ये देखें ये, वाह जी वाह, क्योंकि चावल की जो काश्त है वो हो चुकी है, और इधर देखें इधर भी पानी है। हाँ, वैरायटी चावल इधर तैयार किया जाता है, सुपर कैनात, हम कैनात ही बोलते हैं, कैनात नवी कैनात पुरानी। फिर आपको वो मंजियाँ दिखाऊं? जब भी मैं आता हूँ ये थोड़ी बड़ी हो गई होती है, तो उनको दिखाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि उधर बारिश हो रही है अभी, तकाजा है। अच्छा, उनका तकाजा हो रहा है, तब तक आके ये वाली साइड इंजॉय करें। वो पुरानी जो कोठी नज़र आ रही है, ये हमारे बचपन का खिलौना था, हम खूब खेले हैं इसमें, लेकिन आजकल छुट्टी कर दी है क्योंकि हम भी बड़े हो गए हैं, और साथ में ये है कि वो भी पुरानी हो गई है। बस आ जाए जी, दिखाते हैं आपको, ये देखें, ये है एक भैंस अभी। अच्छा जी, अब माशाल्लाह वो भैंस की लुक देने लगी है ना? हाँ, बड़ी हो गई है, फुल
जैसे भैंसे होती हैं आगे से शक्ल सींग वगैरह, अब मतलब भैंस की लुक आ रही है बिल्कुल। और वहां पर चेक करें गाबा नर, वो इसका बढ़ गया है कुछ रेट के नहीं? नहीं 35,000 लगा है पहले अगले हफ्ते इसका 38 लगाया था, अब 35 पे दोबारा आ गया वापस। वीवर ये खरीदा गया था 35,000 का और तकरीबन 6 महीने हो गए खाद खा रहा है, इसकी तबीयत खराब हो गई है। चार्जर लेके जा रहे हो? पक्की बात है? अच्छा ये अब भी 6 महीने के बाद भी 35,000 का है, इसका रेट बढ़ रहा है। ये दूसरी है ना मंजी है, ये इसका रेट बढ़ता है। कट्टा बिरयानी कट्टा बोलते हैं वगैरह वगैरह। चलें जी आगे बढ़ते हैं और आगे का माहौल जो भी है एंजॉय करते हैं। जो शहजाद भाई लेके जा रहे थे ना वो इसकी है सेटिंग, ये देखें ये उसकी है कोई तरतीब इसको लगाने के लिए यहाँ पर, ये देखें ये जगह पे। पहले ये पीटर पे चला करती थी लेकिन ख़राब होने की वजह से अब नहीं चल रही है। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मज़ीद जो यहाँ की सेटिंग है ये है। पहले पहले बकरे देखे अपने घास वगैरह करें, ये इनमें से एक एक बकरी है, एक बकरी है इनमें है ना, ये वाली गदरी वही एक है, वो दूसरी वो वाइट वाली बकरी है। अच्छा माशाल्लाह, ये आपके वही हैं जिसको कतरा था? कतरा था हाँ, ये वो भेड़े हैं मेरी दो, एक वो खड़ी है। अच्छा ये आ गया, चलें जी ये देखें ये आ गया वो जा रहे ये चराने के लिए लेके जा रहे हो। चलो फिर आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हो गया। चलो 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 आओ। वीवर आपको शोर सुनाई दे रहा होगा हर तरफ से ना, वो मशीनें चल रही हैं दूसरी टोका मारने वाली। और ये देखें वाह ज्वार बन गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। आमिर के घर में पहुंच चुके हैं माशाल्लाह। और यहाँ की जो सेटिंग सूटिंग है, अबू जान किधर गए? अच्छा इधर असगर भाई मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम भाई जान, कैसे हैं? ठीक हैं, तबीयत से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मजे में है माशाल्लाह। अबू जान गए उधर आसन के पास गए, वो कटिंग वटिंग कराने गए। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, फिर तो उधर कल जो है ना चले जाना है। मैंने भी करानी थी लेकिन कोई नहीं मैं उधर ही करा लूँगा, खैर खासा कोई मसला नहीं है। दूसरे किधर गए? फरमान आपकी वाइफ? पता नहीं कोई पता नहीं, सो तो नहीं रहा? सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई पता नहीं। इसको ये आँख के करीब क्या हुआ है? ये इसको कुछ नहीं कम हुआ। अच्छा और माशाल्लाह माशाल्लाह ए आनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ओयो जी कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गाय मुझे लगता है शफी खान खोल के लेके आ रहे हैं ना? हां जी बिल्कुल जी। वीवर अभी कुछ लोग हैं नहीं मौजूद। हाँ तेरी जिंदगी दी खैर है जवाना, पेंज दिताई खैर। वो सारे आ रहे हैं अब, डोले चाक गया अब वीवर, वो चला गया। ओए होए 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 यार आपकी मोटरसाइकिल खड़ी है वही? अच्छा मैंने सिर्फ स्कूल तक जाना है और अभी तो सेटिंग मेटिंग नहीं है, फिर वापस आऊँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर सब लोग ओपन हो जाएंगे, मतलब उनकी आंखें खुल जाएंगी तो बातचीत भी हो जाएगी अच्छे से, और फिर जो मेन टॉपिक है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। ये जनाब आजकल आ रहा है ज्वार का चारा और साथ में और क्या है, करवा घा है। अच्छा कोरिया, नहीं 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 मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ यार, गुस्सा हो रही है थोड़ी थोड़ी है माशाल्लाह। और जी इधर आ जाओ, सलाम दुआ करते हैं, इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? तबीयत से ठीक है, काम में बिजी हो लगता है? बहुत बिजी। अच्छा अल्लाह पाक आपके काम में आसानी फरमाए, और मैं चाहता हूँ कि मेरी भी बिल्कुल ऐसे डोले शोले बन जाए, ऐसे बॉडी बन जाए। हाँ ये था, अब माशाल्लाह मोटा ताजा कर लिया आपने, खर्चे नहीं किए
वाह जी वाह उतो अरे ढला फंस गया यार मौसम निकालो अच्छा निकल गया चैलेंज निकल गया माशाल्लाह ओके जी यार मुझे कौन पहुंचाने जा रहा है उधर सकाल में अच्छा मैं खुद कॉल कर लेता हूँ ओके हो गया माशाल्लाह व्यूअर ये देखें इधर सब लोग इकट्ठे हैं और भाभी जान की जो कैसी हैं ठीक हैं तबीयत ये ठीक है अच्छा मैं पता क्या बोलने वाला हूँ मैं ये कहने वाला हूँ कि आपने माशाल्लाह इनके साथ जो भी तआवुन करना था कर लिया है तो आपने इनकी शादी भी करा ली इनके लिए ये बहुत है इनके सारे काम निपटाए इनके जहेज के सामान वगैरह जो भी थी सेटिंग ऊपर नीचे देखना मेहमानों का सब का भी शादी भी माशाल्लाह हो चुकी है अमर भाई ऐसा ना तो इधर गर्मी है बच्चे लोग हैं अबू जान भी आए हुए हैं तो मैं भी आया हुआ हूँ अगर आपकी मेहरबानी हो सके तो आप इधर चलें वापस अपने घरों में असगर भाई नहीं भाई ये भांजा है तो वो भी भांजा है किसका कौन भांजा है वो आसम छोटी बहन का अच्छा अच्छा उधर उधर शादी है उधर उन्होंने रोका हुआ है मेरे प्यारे भाई अच्छा। ये कैसे जा सकती है कल मैंने सारा दिन उधर शॉपिंग करवाई उसकी उनके काम अब स्टार्ट हो गए हैं इसलिए अब रह गया अच्छा मैं मेरे जहन में भी नहीं थी और मुझे शायद किसी ने बताया भी नहीं है तो चलो खैर सही बात है तो फिर ये तो चलो भांजा है उधर तो फिर आगे मुअज्जम का सेटअप उसका ससुराल है ये तो फिर इससे भी ज्यादा मजबूरी बन जाती है उन्होंने रोका हुआ है तो सही अभी बार इनकी मजबूरी है वरना इनका भी दिल करता है कि हम अपने घर में वापस जाएं बिजली है वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है तो मजबूरी है इनकी तो हम क्या कह सकते हैं बाकी अबू जाने और ये जाने हम इस बारे में मज़ीद कुछ नहीं कह सकते तो थैंक यू जी आपने सही अपनी मजबूरी बता दी है तो फिर भी अगर कल तक मूड बन जाए तो सुबह 8 बजे वाला हमारा टाइम है हम चले जाएंगे अगर मूड बन जाए तो ठीक है जी बेस्ट ऑफ लक शहजाद भाई को रोका हुआ था काफ़ी टाइम से मैंने कहा यार फिर मैं वीडियो बना लूँ फिर चलते हैं ये इधर लाल पीले हो रहे थे यार इसका वो पाँव रखने वाला किधर है नहीं है दर्जी के पास बन रहा है अच्छा चलें जी पाँव रखने वाला दर्जी के पास बंद है अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह बस ये रोड पे निकलने वाले हैं ये हमारी गली और ये सामने खादम फौजी खड़ी खड़ी डू डू सवार यार अगेरे थी ये भी आ गया ओ ओ अगेरे थी एक चौकी अच्छा एक बोला वापसी थे चैन होता वापसी थे यार वापसी थे इधर भी तिल्ली माशाल्लाह काश हुई पड़ी है चलें जी सवारियां हमारी हो गई हैं आप पूरी अब हमें किसी किस्म की परेशानी बिल्कुल भी नहीं है और ओ खैर माखर व्यूअर ये हमारा सफर है आगे देखें ओए आराम से आराम से आराम से छोटे छोटे बच्चे यहां पर ना वो बकरियां वगैरह चरा रहे हैं व्यूअर ये देखें ये बन गया है कैसे बना है आया मसात कैसे हो तबीयत सिया नियत अल्लाह जी रहमत दे ये कारीगर साहब कैसे हो ठीक ठाक तबीयत सिया ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वाह जी वाह इधर चार पहिया भी रखी हुई हैं हां जी ओहो चलो मैं पूछता हूँ कितने में देता है फिर इसका बनाते हैं रेट रूट ये देखें ये हुआ है जी वेल्ड अभी गर्म है फुल चलो कुछ ठंडा पड़ गया अब इसको लेके जाएंगे शहजाद भाई वाले वापस और टोका टाकी करेंगे ऐसे ना आओ जी तेरे मुच्छे तो सदके दीवा नौजवाना तुम्हारा बेबी हुआ है छोटा सा मिनी सा लिटल सा गुड़िया सा मिठाई का बंदोबस्त ही नहीं है क्या मजाक है वो खिलाई थी हाँ यार इसने खिलाई थी मिठाई मैं शिकायत बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ और बस इसे बोल रहा हूँ कि मिठाई रज के खवाया करो जा रहे हो अभी वापस पक्की बात है चलो जी ओके करो जी ओके करो मैं फिर इधर जाता हूँ जो भी है सेटिंग शूटिंग वो करता हूँ ठीक है मज़ीद आप आ जाना मैं अभी आ रहा हूँ ओके वीवर मोबाइल की बैटरी काफ़ी कम है दोनों मोबाइल की
तो अब ऐसा करते हैं, ये मदनी को मैंने बोला है चार्जर वगैरह ये उठा के आ गया, इसको दोनों मोबाइल दे देते हैं। और दोनों मोबाइलों के चार्जर ले आए थे, बिजली खड़ी है? हाँ। अच्छा, एक तो ये लो, इसका नेट भी ऑफ कर देना और इसका फ्लाई मोड लगा देना, ठीक है? हाँ, फ्लाई मोड लगा दो, नेट भी इसका ऑफ कर दो। और ये व्यूअर दूसरा मोबाइल इसको देते हैं और हम चलते हैं आगे, एक क्लास है वो लेते हैं, फिर वापस आएंगे देखेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक व्यूअर। घर वापस आ गए हैं, मैंने वॉलीबॉल भी खेल, इधर क्या हो रहा है? ओए होए 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 होए, कुकड़ी बैठी है। तो यहाँ पर अभी खाना वाना खाएंगे इंशाल्लाह, और खाना वाना खाने के बाद बाकी की जो डिटेल है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। डिटेल नाइट के टाइम होगी क्या? किधर? अच्छा, ये भी आ रहा है, फिर हम खाना वाना खाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आज क्या पका है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पकी है जिसमें भिंडी भी नहीं है और अपना क्या बोलते हैं रिश्तेदार भी नहीं है, एक अलग चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह शहजाद भाई, आपने तो खर्चा कर दिया है। आँखों में लाइट आ रही है वो यार, आँखें इधर कर लो, ये इधर इधर आँखें कर लो इसके पास। हाँ, अब बताओ, आपने बड़ा खर्चा कर दिया। आपके लिए किया है। अच्छा, मेरे लिए? तेरे लिए ही जिया हूँ। व्यूअर चेक करें, ये है चिकन और ये भी माशाल्लाह, ये मेरे लिए है ऐसे ना, ये थोड़ी चिकन वाला आपका। ओके, दोनों आपके हैं? दोनों मेरे हैं। तेरी जिंदगी की खैर हो, तेरे मुझे तो सद कहती हूँ जवाना, खुश कर रही थी, खुश कर रही थी। अच्छा, वो अपना क्या बोलते हैं आसिफ किधर रह गया? आसिफ वो बाहर मेहमान है, उसके पास बैठा है। अच्छा, चलें जी व्यूअर, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अगर किसी ने हमारे साथ बैठ के दो कटोरियां ना, मेहमानों का धड़ लगा हुआ है उधर उसके पास, हमारे पास भी उसके पास। या अबे, मैं यार अकेला हूँ, धेड़ कहाँ लगा हुआ है? अल्लाह का नाम ले रहे, एक बहर है। अच्छा अच्छा, चले आप मेरे साथ खाना, तो इधर आ जाओ वरना वो शहजाद भाई के साथ बैठ जाओ। हैं, आ जाओ। उससे क्या मैं कह रहा था, आलू खाना तो मेरे पास आ जाओ। हाँ, चिकन खाना है तो मोहिद्दीन के साथ, वो फिर मेरे वाले साइड पे खड़ी होगी। चले जी, कोई ना, इनका भी हक होता है, ये भी खाएगी पिएगी, एक कटोरी इसको दे दो। चलें जी, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, खाने को इंतज़ार नहीं करवाते। आप तो बता दें, हमें तो चलो जैसी तमीज़ नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खाना खा के बात होती है। हाँ, तेरी ज़िंदगी दी खैर हो, ये इसको आता है, हम अनपढ़ जाहिल ठहरे। फैली फैली व्यूअर, हमने खाना वाना खा लिया है अल्लाह पाक के फजल करम से, और अभी व्लॉग का भी यहीं पर एंड करें। छोटा सा मुख्तसर सा व्लॉग बनाया मैंने, क्योंकि एक तो मौसम काफ़ी ख़राब है, अब नाइट को आपको नज़र क्या आएगा, वो चांद खड़ा है, और इसके अलावा थोड़ी तबीयत भी डाउन है। आज सारा सफ़र किया है हमने और काम वगैरह भी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे दूसरी वीडियो में, आज लेट भी हो सकती है वीडियो, 12 भी पढ़ सकते हैं, देखना ना भूलिएगा, दुआ में रखिएगा याद। मिलेंगे नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।